ज्ञान कर्माध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम। कृष्ण का अनुशीलन करना है उनके अनुकूल रहकर, उनके प्रतिकूल रहकर। जो कृष्ण को अच्छा ना लगे वो कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने कल चर्चा किया था कि आप लोग जो भी अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, क्या ये विचार करके करते हैं कि हम जो कर रहे हैं इससे भगवान संतुष्ट होंगे कि असंतुष्ट होंगे, भगवान को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हम विचार नहीं करते, बस हम लोग ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, और ये भी जानते हैं हम लोग ये विचार करके करते हैं जो होगा देखेंगे। जिसने भी ऐसा सोचा कि जो होगा देखेंगे, उसकी बड़ी दुर्गति हुई इस संसार में। करने से पहले विचार कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, पहले विचार करो। बाद में करके पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। करने के बाद कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि जो होगा हम देखा जाएगा। अब कैंसर हो गया, कह दो दवा हम नहीं करवाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो 10 दिन में मर जाओगे। बुखार बहुत तेज हुआ है, अब कह दो जो होगा देखा जाएगा, हम दवा नहीं खाएंगे। इसलिए करने से पहले विचार करिए। ये मत कहिए कि जो होगा देखा जाएगा, पहले करो। जो लोग पहले करते हैं बाद में चिंतन करते हैं, वो हमेशा जीवन में दुख ही पाते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वह उनका स्वभाव बन जाता है, उनका स्वभाव बन जाता है जो होगा देखा जाएगा। नहीं, उसको स्वभाव मत बनाइए, नहीं तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, हमेशा दुख ही दुख आपके सर मंडराता रहे, दुख ही दुख मंडराता रहे। करने से पहले विचार करिए। ज्ञानी वही है, बुद्धिमान वही है, पंडित वही है जो करने से पहले विचार करता है। पैर रखने से पहले आप सोचते हैं हम कहां पैर रख रहे हैं? अरे ये बात छोड़ो, पहले के लोग जब शौच करने बाहर जाते थे खेतों में, तो शौच करने से पहले भी विचार करते थे कि हम कहां बैठे हैं, जहां हम बैठ रहे हैं साफ सुथरा है कि नहीं। बैठने के बाद विचार नहीं करते थे, बैठने से पहले देख लिया करते थे। अरे जब शौच करने के लिए आप इतना सोचते हो कि हम साफ सुथरा जगह देखें, तो आप बताओ जीवन जीने के लिए आप कैसे आप इतना गिर सकते हो, कैसे इतना गिर सकते हो आप कि आप बिना विचारे कुछ करते हो? जीवन में जो कुछ भी करना है वो विचार कर करना है, उसका परिणाम क्या होगा उसके परिणाम को सोच करके करना है। अगर ये आपने अपने जीवन में उतार लिया और जीवन में आपने ये ढाल लिया कि करने से पहले हमको विचार कर लेना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए भक्त कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो जो कुछ करता है वो कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के अनुकूल होकर के करता है कि हम ये कर रहे हैं कृष्ण को अच्छा लगेगा, कृष्ण को अच्छा लगेगा। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। और जो लोग भगवान के अनुकूल रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वही लोग उत्तम भक्ति कर पाते हैं, उन्हीं की भक्ति उत्तमा भक्ति कहलाती है।